फिक्र में है, ये खुद मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहरहाल इतनी तो बात जरूर है कि आप अच्छी फिक्र के साथ बैठे हुए हैं, अच्छे ख्याल के साथ बैठे हुए हैं, अच्छी सोच के साथ बैठे हुए हैं। फ्रांसियों का खरीदा हुआ कलकत्ता, नवाबों का बसाया हुआ कलकत्ता, अंग्रेजों का छीन कर हासिल किया हुआ कलकत्ता, इंकलाब जिंदाबाद की लय पर थरकता हुआ कलकत्ता, कलकत्ता जो आज सोचता है कल वो पूरा मुल्क सोचेगा। कलकत्ते की फिक्र क्या है, कलकत्ते का डिक्शन क्या है, कलकत्ते का लहजा क्या है, कलकत्ते का हवाला क्या है, ये मालूम करने के लिए आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा, बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। आप देखना चाहते हैं कलकत्ते का जादू, भाई कलकत्ते का शायर देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मोहब्बत के साथ एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सितम जदों को सितम कर सलाम करता है, सितम गदों आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, कोई मामूली खतीब नहीं है, आने वाला मुफक्किर कोई मामूली मुफक्किर नहीं है, आने वाला लहजा कोई मामूली लहजा नहीं है। खतीब बारगाह आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहबुल्ला रामपुरी, पूरे मुल्क नहीं बल्कि मुल्क से बाहर जिनकी खिताबत की धमक महसूस की जाती है, जिनकी खिताबत का एक लोहा माना जाता है। बैठ जाओ, हजरत नहीं आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं, अभी तकरीर करेंगे, डेढ़ घंटे आप सुनिएगा एक नाम से। अभी तकरीर होगी तो डेढ़ से दो घंटे सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, सुकून से सुनिएगा। भाई कमेटी वाले भाई जितने नौजवान हैं, यहाँ पे शोर मत कीजिए, इतने महंगे खतीब को बुलाया है, इतना महंगा लहजा आपने बुलाया है, इतने जबरदस्त खिताबत के मालिक को आपने बुलाया है। हिंदुस्तान का वो खतीब इस वक्त मिंबर नूर पे जलवाबार है कि जब आप कुर्सी आला हजरत में जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कुल शरीफ के बाद जब 25 लाख का मजमा जाने के लिए तैयार होता है, तो उस मजमे को रोकने के लिए, उनके पांव में जंजीर डालने के लिए जिस खतीब को आवाज दी जाती है, उस खतीब का नाम है हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहबुल्ला राम। वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरे नूर पे जलवाबार है, जिनकी तकरीर आप सुनेंगे, जिनकी खिताबत सुनेंगे, जिनका खिताब सुनेंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुनेंगे, बस चंद लम्हे की बात है, बस सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। देखिए वक्त के 11 बजने वाले हैं और ठीक 11 बजे का वक्त दिया गया है जनाब शहबाज रजा नूरी कलकत्वी को, वो इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर होगी। तो अगर आप तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं, शहबाज रजा नूरी को सुनने के लिए तैयार हैं, तो जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर हुजूर मुफ्ती गुलफाम रजा साहबुल्ला रामपुरी की मौजूदगी में जरा अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या अली, मोहब्बत के साथ बोले या अली, या हुसैन। इंशाअल्लाह आप पूरे तौर से बेदार हो गए हैं, बेदारी की लहर आपके अंदर पैदा हो गई है। सितम जदों को सितम कर सलाम करता है, सितम जदों को सितम कर सलाम करता है, लोहार शीशों को पत्थर सलाम करता है, यजीदियों का है कब्जा फरात पर, लेकिन हुसैनियों को समुद्र सलाम करता है, फरात पर लेकिन हुसैनियों को समुद्र सलाम करता है। अब आइए हुसैनी लहजा सुनने के लिए और हुसैनी डिक्शन सुनने के लिए शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी से हम गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं। अब गम आए, खुशियां आए, मौत आए, कि तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया।